तो जिक्सर SF 154 सीसी का जो गाड़ी है, तो गाड़ी में आपका ओवरऑल मैंने चलाया अभी 32,000 चला लिया है, तो गाड़ी में 32,000 चलाने के बाद हमको कुछ कुछ प्रॉब्लम जो है फेस करना पड़ा, तो प्रॉब्लम आपको बोलेंगे और जो गुड दिग है और बैड दिग है दोनों ही आज बोलेंगे। तो जिक्सर है एक्चुअली सुजुकी की गाड़ी है, सुजुकी आपका जो इंडिया में लॉन्च किया था बहुत दिन हो गया, तो उसके बाद जिक्सर का जो मॉडल है सबसे अच्छा ओंडा मॉडल किया है। तो जिक्सर का जो है अभी देख लीजिए, आपका रिव्यू दिखा दे रहा है कितना किलोमीटर हम चलाए हैं, देखिए ट्रिप वन है ये, टोटल हम एवरेज आपको दिखा दे रहे हैं कितना चलाए, 32,853 किलोमीटर चलाए हैं हम, और डिजिटल मीटर से देख लीजिए, मीटर को एक बार हम ऑन कर रहे हैं गाड़ी, डिजिटल मीटर है रेडी टू ट्रिप दिखा रहा है, बहुत ओंडा मीटर किया है। और इसका जो है हैंडल देखिए, हैंडल जो है थोड़ा सा अगर स्पोर्टी कर देता तो हैंडल अच्छा और भी अच्छा होता, ये नॉर्मल वाला हैंडल कर दिया है गाड़ी का, ठीक है देख लीजिए हैंडल, इसका हैंडल में थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आता तो और भी अच्छा होता। और गाड़ी का ये सब ओवरऑल एक्सीलेशन क्लच ब्रेक डिश एकदम बढ़िया है। गाड़ी लेके जो हम कोलकाता में जैम में चलाते हैं नहीं तो हम ब्लॉक करने निकलते, एक ही प्रॉब्लम होता है जो लुकिंग ग्लास, लुकिंग ग्लास देखिए, लुकिंग ग्लास स्पोर्टी लुकिंग ग्लास है, मगर जो आप जब लुकिंग ग्लास ऐसे खोलेंगे देखिए कितना बटरफ्लाई जैसे पूरा हो जा रहा है, देखिए इतना, तो हम जब गाड़ी लेके हम जब हाईवे में घुमाएंगे देखिए जो लुकिंग ग्लास है, लुकिंग ग्लास लग जाता है झटका, किसी का अगर शरीर में अगर झटका लग जाएगा तो गाली तो देगा ही ना भाई। तो ये जो है, और देखिए टैंकी देखिए, टैंकी पूरा मस्कुलर फिनिशिंग किया है, टैंकी जो है बहुत ही उम्दा फिनिशिंग किया है, सीट जो है देखिए सीट देख लीजिए, बैक लाइट देख लीजिए, बैक लाइट तकरीबन एक ही है जो इसका सुजुकी के जो 900 सीसी का जो गाड़ी किया है, एक ही सेगमेंट में एक ही इसका जो है बैक लाइट एक ही किया है, देखिए साइलेंसर जो है देखिए तीन साइलेंसर किया है, तीन साइलेंसर किया है, और उसका जो बैक टायर है, बैक टायर जो है देखिए, बैक टायर जो देख लीजिए 140 बैक टायर किया है, बहुत ही रेडियल अच्छा उमदा चौड़ा टायर किया है, जो टायर में आपका स्पीड खाने का प्रॉब्लम नहीं आता है गाड़ी का, ये गाड़ी में एक अच्छा फैसिलिटी दिया है, और इसका भी देखिए साइलेंसर तो दिखाई दिया, इंजन देखिए सुजुकी का, देखिए इसमें 850 ml का मोबिल इसका अंदर आता है, फूड प्रेशर दिया है देखिए, फूड प्रेशर फ्लेक्सिबल फूड प्रेशर दिया है, लेकिन इसमें सबसे ख़राब क्या है जो है ये है आपका इंडिकेटर देखिए देखिए लग के पूरा बूढ़ा आदमी जैसा हो गया, 71 ईयर्स जो बूढ़ा आदमी जो रास्ते में निकलता है कपते कपते ऐसा टाइप का हो जाता है। ये अगर आपको जो फ्लेक्सिबल जो इंडिकेटर आता है इसका रबर का वही वाला लगाएंगे तो अच्छा हो। और ये देखिए सामने, देखिए सामने जो हेडलाइट का फिनिशिंग थोड़ा सा अगर जो स्पोर्टी गाड़ी बाइक जैसा हो जाता ना R15 जैसा या तो KTM जैसा तो अच्छा और भी गाड़ी का लुक और भी अच्छा लगता। और सामने का टायर भी बहुत मोटा बहुत उमदा किया है, सामने का टायर देखिए 900 mm का सामने का टायर, 32,000 किलोमीटर हम चला लिए बॉस, इसलिए जो टायर का देखिए टायर का जो बेस है एकदम ख़राब हो गया है गाड़ी का, और जो आपका डिश है डिश बहुत ही उमदा किया है गाड़ी का, डिश का बहुत बड़ा mm का प्लेट दिया है डिश का, ठीक है। और इधर आइए गाड़ी का देखिए भाईजार हमको बहुत अच्छा लगता है, गाड़ी पूरा गाड़ी को कवर करके रखता है भाईजार, बहुत अच्छा किया है जो जिक्सर के SF का जो है सुजुकी जो देखिए गाड़ी के जो आता है अंदर से बहुत अच्छा लगता है, और तेल का इसका उनका चार्जिंग भी किया है इसमें, ठीक है। और स्टैंड ठीक है, इसका डबल स्टैंड भी रहता है, लेकिन मेरा जो ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो इतना कम है ना, इसलिए हम उसका डबल जो है इसका स्टैंड हम खोल दिया है, क्योंकि स्टैंड में लगते लगते इसका धक्का लगते लगते टूट जाता है इसका, ठीक है देख लीजिए लूज़ हो गया है थोड़ा सा, ठीक है। और चेन तो हम बोल ही दिया आपका, नेकेट चेन किया है इसका, हाफ चेन कवर जो किया है, ठीक है। और पीछे देखिए थोड़ा सा पीछे का बैक पोर्शन और एक बार दिखा दो, और एक बार दिखा दो, और इसका मोनो सस्पेंशन सॉकर किया है। तो ये तो था ओवरऑल लुक्स गाड़ी का। तो हम इतने दिन चलाने के बाद यही प्रॉब्लम हमको देखने को मिला, और गाड़ी का एक और एक प्रॉब्लम है जो एक 154 सीसी का इंजन है, लेकिन इसका BHP बहुत कम है, BHP ओनली 14 BHP दिया है इसमें, सर्विस में मोटुल हाईग्रेड सिंथेटिक मोबिल ही हम यूज़ करते हैं,